सर्वांगासन। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडवेज फिटनेस। आज हम करने जा रहे हैं सर्वांगासन, जो एक इन्वर्टेड पोज है जिसमें आपकी लेग्स ऊपर होती हैं और आपका जो हेड है वो नीचे की तरफ, जो ब्लड फ्लो है वो पूरा आपके हेड की तरफ, हार्ट की तरफ, अपर बॉडी की तरफ जा रहा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो जो ब्लड है वो हमारा मोस्टली नीचे की तरफ ज़्यादा फ्लो होता है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इसमें आपके वेरिकोज वेन, जिनको दिक्कत है वेरिकोज वेन की, देखा होगा ब्लू लाइंस या फिर रेड लाइंस, आपकी जो मसल्स हैं वो उभरने लगती हैं, आपकी जो वेन्स हैं वो दिखने लगती हैं, नॉट मसल्स, वेन्स दिखने लगती हैं, तो उसकी प्रॉब्लम को ठीक करता है ये। आपके डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम का मतलब है कि आपकी हार्ट प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर है तो अवॉइड करना है, हार्ट प्रॉब्लम होगी नहीं या फिर किसी एक्सपर्ट की उस देखरेख में ही आसन करना है आपको। इससे आपकी डायबिटीज़ और थायराइड प्रॉब्लम भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूव होती है, क्योंकि जब आप ये आसन करते हैं तो आपके जो चिन है वो आपकी चेस्ट तक लग जाती है। इससे आपके फेस की जो ग्लोइंग है, एजिंग है, वो रिमूव हो जाती है। आपकी नाक, कान और आँखों से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को ये आसन रिमूव करता है। आपकी हेयर्स, अगर ग्रे हेयर है या फिर शाइनिंग नहीं है हेयर्स में, हेयर्स को भी इम्प्रूव करता है, मतलब हेयर्स की हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा आसन है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस आसन को किस तरह से करना है और अवॉइड किस किस को करना है उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप मैट लीजिए और उस पर सीधा लेट जाइए। दोनों पैरों को सीधा रखिए, दोनों हाथ साइड में। सबसे पहले धीरे धीरे लेग ऊपर की ओर, अपनी बैक पर दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए एल्बोज को अंदर करना है और फिर धीरे धीरे अपने हाथों से इस तरह से लेग्स को ऊपर ले जाना है। ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन जो है स्ट्रेट रखनी है, तो आप उसको और अंदर पुश कीजिए और इस तरह से यहाँ पर रुक जाइए। श्वास एकदम नॉर्मल। वापस आते हुए पैरों को पहले धीरे धीरे पीछे लाइए, आराम से अपनी बैक को नीचे रखिए, हिप को नीचे रखिए और धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाइए और फिर शवासन की स्थिति में आपको लेट जाना है। ध्यान रखेंगे जिनको लोअर बैक पेन है या हिप की इंजरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, ये आसन अवॉइड करना है आपको। सर्वाइकल है, माइग्रेन है, तो भी आपको ये आसन अवॉइड करना है। अगर आपको कंधे में कोई दर्द है, जकड़न है किसी तरह की, तो भी आपको ये आसन अवॉइड करना है। आपको कंधे मजबूत तो होंगे, इससे कंधे, नेक वगैरह आपकी काफ़ी मजबूत होगी, लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तब ये आसन आपको अवॉइड करना है, या फिर किसी एक्सपर्ट के साथ ही आप इस आसन को कीजिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मोस्टली वो ये आसन ना करें, और जिनको लो बीपी भी है वो भी आसन ना करें, उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है, बट किसी एक्सपर्ट की राय में आप कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम दोबारा मिलते हैं। नमस्कार।